नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे अपने चैनल दीपांजलि उपाध्याय इस वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु मंत्र दीक्षा का महत्व जानेंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें और कब लें गुरु दीक्षा। हिंदू परंपराओं में यह दिन आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा और सम्मान का विशेष दिन होता है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास जी का जन्मदिन भी है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की रचना भी की थी, इस कारण उनका नाम वेद व्यास है। उन्हें आदिगुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया है कि गुरु से दीक्षा लिए बिना जब पूजा वगैरह सब निष्फल जाता है। अतः इस गुरु दीक्षा के तहत गुरु अपने शिष्य को एक गुरु मंत्र और जीवन उपयोगी वाक्य देते हैं। जब आप जीवन की उलझनों में फंसे हों, कोई निर्णय ना ले पा रहे हों, तो गुरु ऐसे प्रतिकूल समय का सामना करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे गुरु मंत्र दीक्षा का महत्व। वैसे तो गुरु दीक्षा का महत्व गुरु के आश्रम में उनके पास रहकर ज्ञान अर्जित करना है। जैसे ही प्राचीन समय में गुरुकुल में रहकर शिष्य शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, स्वयं भगवान राम और कृष्ण भी इसी मार्ग पर चले। लेकिन सांसारिक लोगों के लिए अब गुरु मंत्र से दीक्षा लेने की अनिवार्यता का वेद शास्त्रों में भी उल्लेख है। इसलिए साधना में सबसे पहले दीक्षा की अनिवार्यता है। आध्यात्मिक गुरु को ही परब्रह्म कहा गया है। बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। कहा गया है, बिना गुरु ज्ञान विरंची न होई, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता, जीवन का सही मार्ग मिल ही नहीं सकता। और शास्त्रों ने तो गुरु को साक्षात परब्रह्म स्वरूप कहा है। यथा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्यास जी के चित्र को फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अपने गुरु को आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए, फिर अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं है, उनसे भेंट संभव नहीं है, तो उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करें। पहले ली गई गुरु दीक्षा के समय उन्होंने आपके कान में जो गुप्त मंत्र बताया है, उसे नियमित 5 या 11 बार जप करें। साथ ही आज के दिन उस मंत्र का जाप विशेष तौर पर करें। और यदि आपके गुरु ने आपको किसी विशिष्ट प्रश्न पर आपको आपका गुप्त मंत्र दिया था, तो उसे संभाल कर रखें और आज के दिन उसको पूजा में रखकर उसकी पुष्प और अक्षत कुमकुम से पूजा कर गुरु का स्मरण करें और मंत्र का जाप करें। इसके बाद हम बात करेंगे कि गुरु दीक्षा कब लें। गुरु दीक्षा भी उसी ज्ञान की तरह है, जिसको जितना भी अर्जित किया जाए और बार बार उसका अभ्यास किया जाए, तो वह और भी परिपक्व होता जाता है। और इसी संबंध में भगवान दत्तात्रेय भगवान के वचन का उल्लेख मिलता है, जब उन्होंने कहा था कि एक बार गुरु दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा, बार बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। कबीर ने कहा है कि बर्तन मांजते रहें, बार बार बर्तन गंदा होगा और बार बार उसे मांजना पड़ेगा। जितनी बार मांजोगे, उतनी बार उसकी चमक बढ़ती रहेगी। अर्थात जब चित्त पर लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह, अहंकार, क्रोध आदि हावी होकर नुकसान करने लगते हैं, तब गुरु दीक्षा के माध्यम से स्वयं को फिर से ऊर्जा में भर लेना चाहिए। इसलिए जब भी अवसर मिले, तब गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। चाहे पहले भी गुरु दीक्षा ली हुई हो, फिर भी जितनी बार गुरु से कुछ मिले, उसे ग्रहण करते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप गुरु नहीं बना पाए हैं तो क्या करें। यदि आपने अभी तक किसी को आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया है, मतलब किसी से भी गुरु दीक्षा मंत्र नहीं लिया है, तो आपको चाहिए कि भगवान विष्णु को गुरु मानकर नमन करें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, अतः आप भी इस दिन अपनी इच्छा अनुसार किसी विद्वान से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, जो आपके जीवन में किसी भी अवसर पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।